तो स्वागत हो चुका है एक और न्यू व्लॉग में भाई, एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। और आज की वीडियो जो गंगा सागर हिंदुओं का पवित्र एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। कि बोला जाता है कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर सिर्फ एक बार। किसी भी व्यक्ति को अपने जो हिंदू होता है किसी, तो उसे अपनी ज़िंदगी में एक बार गंगा सागर ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारी जो यात्रा हो रही है वो दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और हम जाएंगे सियालदह रेलवे स्टेशन। जो दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है और सियालदह रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है और इसके बीच में आएंगे तकरीबन 5 या 6 रेलवे स्टेशन, जो तकरीबन बहुत ही जल्दी ये यात्रा कवर हो जाती है। तो उसके बाद हम सियालदह से लेंगे काकद्वीप के लिए ट्रेन और उसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जो हमें उस दूरी को कवर करने में हमको लगेंगे तकरीबन 3 घंटे। उसके बाद हम लेंगे काकद्वीप से टोटो, जो बैटरी वाली रिक्शा होती है उसको लेंगे, वो लेके जाएगी हमें पॉइंट 8 तक। तो उसके बाद हमको लेनी होगी फेरी, जो हमको लेके जाएगी कुचुबेरिया, और कुचुबेरिया पहुँचने के बाद हमको लेनी होगी बस, और बस से हम पहुँच जाएँगे गंगा सागर। तो सबसे पहले भाई ये देख सकते हो, ये है सियालदह का रेलवे स्टेशन। तो हम तो यहाँ से हमको लेनी होगी ट्रेन। तो भाई मैंने बहुत सारी जो यात्री की चीज़ें होती है तो आप लोगों को बताई दी थी, फिर भी मैं आगे आ जाओ इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। आप लोग कैसे यात्रा कर सकते हो, किस कैसे आप लोग जा सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल वैसे भी मिलेगी। तो ये सियालदह का रेलवे स्टेशन भारत का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोलकाता के अंदर आता है क्या, कोलकाता के अंदर दो रेलवे स्टेशन है, एक हावड़ा और एक सियालदह। अब दो लोग अगर हावड़ा उतरोगे तो सियालदह आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों को सीधी काकद्वीप के लिए ट्रेन मिलेगी। आप लोग बस से भी जा सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो तो आप लोगों को अगर एयरप्लेन से आना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग बाहर आ सकते हो, वहाँ से आप लोगों को बसें वगैरह मिल जाएंगी। और हावड़ा से उतरना अगर जाना चाहते हो तो हावड़ा से आप लोगों को बसें लेना पड़ेगी, बसें से आप लोग भी आसानी से यहाँ तक गंगा सागर के लिए जा सकते हो। तो हम जाएंगे ट्रेन से, अपनी जो यात्रा है होगी ट्रेन से कॉल करेंगे, जो हमको 3 घंटे में पहुँचाएगी, लगभग 90 किलोमीटर हमें कॉल करना पड़ेगा। सियालदह का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, आप लोगों को देख ही सकते हो, इसमें इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं। तो हम चल रहे हैं अपनी जहाँ पे हमको मिलेगी, और उसका ट्रेन का जो टाइमिंग होता है आप लोग आप देख सकते हो, हमें ट्रेन लगभग 1 बजे के आसपास वो ट्रेन चलती है, जो नामखाना और काकद्वीप जाती है। क्योंकि हमारे पास ये सारा ग्रुप था और गंगा सागर हम जा रहे थे, गंगा सागर बहुत ही हमारा जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है वही है कि, और मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गंगा सागर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जलने की यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा गंगा सागर के महत्व के बारे में। सबसे पहले भाई देखिए, से देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे यहीं से, सियालदह से ही, सियालदह रेलवे स्टेशन से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जरूर पूरी देखना, पूरी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी कि कैसे कैसे आप लोग जा सकते हो और बहुत ही कम बजट में आप लोग ये यात्रा पूरी कर सकते हो। जो सियालदह और काकद्वीप के जो टिकट प्राइस की हम बात करें तो लगभग एक व्यक्ति का 25 रुपये लगता है, टिकट प्राइस 25 रुपये है, यानी काकद्वीप और सियालदह का जो टिकट प्राइस होता है वो 25 रुपये होता है। ये आ चुके हैं हम काकद्वीप रेलवे स्टेशन पर, ये काकद्वीप रेलवे स्टेशन है। तो यहीं से हम लोगों को आगे जाके मिलेगी टोटो, टोटो बोलते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो हम जा रहे हैं, देख सकते हो रास्ते में भाई, आप लोग देखते रहना इस वीडियो में। जो काकद्वीप रेलवे स्टेशन पर लगभग 3-4 घंटे की यात्रा पूरी करने पर हमें ट्रेन उतार देती है। तो आगे का सफर हमें करना होगा टोटो से पूरा। ये देखो, ये इस रास्ते से आगे आप लोगों को बहुत सारी रिक्शाएँ मिल जाएंगी आगे खड़ी हुई, जो आप लोगों को तकरीबन
₹20 लेके आप लोगों को पॉइंट एट तक छोड़ के आएंगी। पर प्रति व्यक्ति आप लोगों को ₹20 चार्ज देंगी देना होगा यहाँ तक भी। तो आप लोग हिसाब लगाते रहना आप लोगों को कितना प्राइस लगता है। ये यहाँ से देख सकते हो, ये बहुत सारी आप लोगों को रिक्शा मिल जाएंगी। तो हमने अपने जो ग्रुप था हमारा सबने रिक्शा ले ली, तो प्रति व्यक्ति ₹20 लगता है चार्ज और ये हमको लेके जाएंगे पॉइंट एट तक। और रास्ते का व्यू देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, आसपास के घर देख सकते हो। और एक बात है यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप लोगों को जगह जगह नारियल के पेड़, केले के बाग जगह जगह देखने को मिलेंगे। और रास्ते देख सकते हो भाई, ये रिक्शा वाले यही हमको लेके जाएंगे पॉइंट एट तक, उसके बाद हमको लेनी होगी फेरी। ये देखो इनके घर देख सकते हो, बहुत ही प्यारे घर हैं और हर घर के पास मतलब नारियल के पेड़ मिल जाएंगे और उन पर नारियल लगे हुए भी मिलेंगे आप लोगों को, देख सकते हो। और रास्ते का जो व्यू होता है बहुत ही सुंदर, और अगर चारों ओर हरियाली हो, हरियालियों के बीच घर हो, बहुत ही सुंदर लगता है, हमारी यात्रा को मंगलदायक बनाते हैं, बहुत ही मतलब लाभदायक हो जाता है कि भाई अब हम यात्रा करते हैं और हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि नया कल्चर देखने को मिलता है। नहीं अगर कुछ भी अगर भारत के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो कुछ वहाँ ना कुछ ना कुछ वहाँ आपके कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे तो भाई वहाँ की देखा जाता है भाई बहुत ही प्यारा जो चीज़ें होती है कि भाई यहाँ के कल्चर अलग अलग है, हिंदुस्तान का अलग अलग कल्चर है और फिर भी एक लोग भारतीय लोग एक तरीके से रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो जो गंगा सागर है हर साल मकर संक्रांति के दिन ये के जो दिन होता है उस दिन ये लगता है, यानी 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति होती है, उससे पहले लग जाता है, 4-5 दिन ये मेला चलता है। लगभग 20-25 लाख लोग यहाँ पे जो अपनी स्नान करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप लोग कम बजट में ये यात्रा पूरी कर सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा आप लोगों को, कि आप लोगों को ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा पैसे लगेंगे, नहीं आप लोगों को तकरीबन ये टूर आप लोगों को 2 दिन में कवर हो जाएगा। एक दिन आप लोग हावड़ा घूम लीजिए और जो हावड़ा के प्रमुख स्थान है वहाँ पर घूमिए, मतलब कोलकाता के प्रमुख स्थान है वहाँ पर घूमिए, उसके बाद आप नेक्स्ट दिन निकल जाइए गंगा सागर के लिए। गंगा सागर पहुंचने के लिए आप लोगों को तकरीबन 4 या 5 घंटे लगेंगे और 4-5 घंटे में आप लोग आसानी से गंगा सागर पहुंच जाइए। गंगा सागर पहुंचने के बाद आराम कीजिए आप, वहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, कपिल मुनि का आश्रम है, भारत सेवा सेतु मतलब सेवा संघ, बहुत ही ज़्यादा आश्रम है भाई वहाँ पे। और आप लोग किसी भी अपनी और होटल हैं आप लोग फ्री में भी रुक सकते हो कपिल मुनि के आश्रम में, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होता। और आप लोग अगर मेले के टाइम आ रहे हो तो आप लोगों को अपनी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो पहले करवानी होती है होटल में भाई, क्योंकि उस टाइम कमरे मिलना बहुत मुश्किल होता है। आश्रम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं स्नान करने, दर्शन करने कपिल मुनि के मंदिर में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कि भाई जो रहने की वो आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना। जो कागदी बोर्ड पॉइंट एट तक की दूरी लगभग भाई बहुत ही कम है और ₹20 में आप लोगों की आसानी से लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो चलिए आ चुके हैं पॉइंट एट तक और ये देख सकते हो ये है जाने वाला पॉइंट एट, यानी तो आगे जाके ये देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे आप लोगों को टैक्सी मिल जाएंगी, यहाँ से आप लोगों को ये जाएंगी जो आप लोग काकदीप यानी हावड़ा या कोलकाता से मतलब आते हो तो यहीं आके आप लोगों को उतरना होगा। तो इससे आगे आप लोगों को जो अपनी यात्रा है वो फेरी से स्टार्ट करनी होगी। फेरी का टाइम अब अलग अलग तरीके से होता है और मेले के जो मेला भरता है तो उसके बाद ही सारे 5-6 पॉइंट होते हैं खोल दिए जाते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए, कि भाई बहुत ज़्यादा अभी तो आज देख सकते हो कितने बजे फेरियाँ चलती हैं भाई, उनका ये टाइम टेबल है।
तो यहाँ से हम लोगों को कोचुवेली जाना होगा, और जो टिकट प्राइस होता है वो होता है 900 रुपये, यानी 900 रुपये ये एक व्यक्ति का लेते हैं 900 रुपये, यानी आप लोगों को 10 रुपये देना होता है। ये रास्ता जाता है सीधा भाई, जहाँ से हम लोगों को फेरी लेनी होगी, और फेरी हमको 20-25 मिनट में पहुँचा देगी दूसरी रास्ते, मतलब भाई की ये ऐसे कोचुवेली पहुँचा देगी, और वहाँ से हम लोगों को गंगा सागर के लिए मिलेंगी बस, जो तकरीबन 50 या 40 रुपये लेते हैं, और एक घंटे की दूरी, मतलब एक घंटा लगता है इसमें जाने में, और लगभग 30-40 किलोमीटर वहाँ से यात्रा होती है। ये देख सकते हो भाई सागर है ये, और यहाँ से आप लोगों को देखो ये जहाज भी खड़े दिखेंगे कुछ। ये शाम का व्यू है, आप लोग अपनी यात्रा बहुत ही अच्छी तरह यहाँ से कवर कर सकते हो भाई, पूरी कर सकते हो, आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी कि भाई ज़्यादा परेशानी होती हो, बस थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी यात्रा में, और उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए। हमें कोई टिकट लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और 7 बजे तकरीबन भाई ये फेरी का टाइम था, लेकिन जो उससे थोड़ा लेट ही हो चुके थे, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ये चली थी। ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और एक बार फेरी में कम से कम 250-300 व्यक्ति आते हैं, और उनको ये लेके दूसरे रास्ते जाती हैं, यानी ये पार करा देती है, फिर हमको लेनी होती है थोड़ी सी दूरी पर बसें, जो बस मतलब एक घंटे की लगभग एक घंटा लेती है गंगा सागर पहुँचने में, जो मेन गंगा सागर है वहाँ तक। ये देख सकते हो ये फेरी है भाई, सभी लोग बैठ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक तो ऊपर से सामान हो चुका था, और अच्छा लगा था क्योंकि देखो चारों तरफ ये मतलब आप लोग कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पानी है भाई, पानी में हम चल रहे हैं, पानी में हमको ये भी नहीं पता चल रहा कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, लेकिन ये 20-25 मिनट की दूरी होती है, 20-25 मिनट में आप लोगों को दूसरे रास्ते उतार देगी। आप लोग हिसाब लगा लीजिए भाई आप लोगों का कितना चार्ज होता है कितना नहीं, क्योंकि देखो शियालदा से कागदीप की जो दूरी 90 किलोमीटर है, चार्ज होता है ट्रेन में 25 रुपये, दक्षिणेश्वर से हमें लगे थे 10 रुपये के आसपास टिकट प्राइस, और भाई जो इसकी जो फेरी की टिकट होती है लगभग भाई होती है 9 रुपये प्रति व्यक्ति, और आगे बस गंगा सागर, ये देखो ये आ चुके हैं भाई गंगा सागर, आगे दिखेगा कोचुवेली, ये कोचुवेली पॉइंट है, और वहाँ से लगभग एक घंटे की दूरी पर आप लोगों को गंगा सागर पहुँचा देंगे। तो नेक्स्ट डे आप लोग स्नान कीजिए कपिल मुनि के जो में, दर्शन कीजिए मंदिर में गंगा स्नान, पहले आप स्नान कीजिए गंगा में, डुबकी लगाइए, जो भी है हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है उसके अनुसार आप सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी कीजिए भाई, और एक अपनी यात्रा पूरी कीजिए, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे विजिट किया था, बहुत अच्छा लगा था आके, और सभी लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि बोला जाता है कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार अपने जीवन में गंगा सागर जरूर जाइए। तो आगे की दूरी भी बहुत जल्दी आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगी, क्योंकि गंगा सागर आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी ये यात्रा। ये देखो भाई कि ये पूरा मतलब थोड़ी सी दूरी पे आप लोगों को, अगर आप लोगों के इससे बाहर जाते ही ना आप लोगों को क्या मिलेगी, रिक्शा मिल जाएंगी, वो लेंगे आप लोगों को 10 रुपये 20 रुपये लेंगे कि आप लोगों को बस स्टैंड तक जाने के लिए, लेकिन आप पैदल ही 5 मिनट की दूरी पर ये देख सको गंगा सागर, तो आप लोगों को 5 मिनट की दूरी पर ही आप लोगों को मिल जाएंगी बसें, तो आप लोग बसों में जाइए और अपनी यात्रा पूरी कीजिए। ये है सुबह का व्यू और रात का व्यू था, ये सुबह का व्यू मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए सुबह की डाल दी कि भाई आप लोग गंगा सागर देख सकते हो, ये सुबह की व्यू यहाँ से देख सकते हो कितना बड़े सागर है।
तो वहाँ से आप लोगों को बस जो मिलती है 50 रुपये या 40 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है, फेरी में आप लोगों को 9 रुपये में आप लोग दूसरी तरफ पहुँच जाओगे। खाने की व्यवस्था आप लोगों को जगह जगह स्टॉल लगे मिलेंगे, नारियल पानी मिलेगा आप लोगों को, खाने पीने की अगर अपने हिसाब से देख सकते हो जगह जगह आप लोगों को चाट के ये मिलेंगी कि आप लोग चाट खा सकते हो, और यहाँ पे अमरूद की बहुत जगह जगह आप लोगों को बिकता हुआ मिलेगा। गंगा सागर का क्या महत्व है, गंगा सागर धाम आप लोगों को क्यों जाना चाहिए, और ये हिंदुओं के लिए क्यों महत्व है भाई, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी, गंगा सागर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, और गंगा सागर यानी कपिल मुनि कौन थे, उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन दूसरी वीडियो में होगी, क्योंकि हमने ये वीडियो आप लोगों की बनाई थी सिर्फ जलने के लिए कि आप लोग गंगा सागर सबसे पहले कैसे पहुँचे और उसके पहुँचने के बाद आप क्या करें। सबसे पहले भाई अगर दिन में पहुँच रहे हैं तो आप दिन में वो जी, और आप लोग अगर रात में पहुँचे तो रात में सबसे पहले करना होता है आराम, क्योंकि रात बहुत हो जाती है, तो भाई सबसे पहले हमने आराम ही किया था। ये देखो यहाँ आप लोगों को जगह जगह बहुत ही प्यारे भजन मिलेंगे सुनाई देते हुए, लेकिन अब बंगाली भाषा में होंगे, लेकिन जो उनका सुन भाई ऐसा लगता है कि समझ में कुछ नहीं आता बंगाली में, लेकिन म्यूजिक बज रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी सी दूरी पर आप लोगों को बस स्टैंड मिल जाएगा, बस स्टैंड ज़्यादा दूरी पर नहीं होता, 5 मिनट की दूरी पर तो होता है, तो कृपया आप चल के ही आप लोग बस स्टैंड तक जा सकते हो, कोई ज़्यादा दूरी पर आप लोगों को ये नहीं कि जाना होगा भाई, वहाँ से आप लोग बस लीजिए और पहुँच जाइए गंगा सागर पहुँचने के बाद आप लोग आराम कीजिए एक दिन, वहाँ पर घूमिए, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ आपके, आप लोग अपनी अपनी मेमोरी में कैसे कुछ ना कुछ पिक खींचिए भाई, और कैसे करिए वहाँ की, वहाँ पे कितने शांत वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो लगे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये बस है भाई जो आप लोगों को लेके जाएगी गंगा सागर, ये है कपिल मुनि मंदिर, ये देखो भाई सामने बहुत ही प्यारा है। तो सुबह आप कीजिए, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग रात में कीजिए आराम, सुबह कीजिए दर्शन स्नान और